डायमंड्स दुनिया की सबसे मजबूत चीजों में से एक, और दूसरी तरफ है कुछ सबसे मजबूत मेटल्स, टंगस्टन, टाइटेनियम, क्रोमियम। ओ भाई, हल्की सी भी क्रोच नहीं आई। अब ये डायमंड ज्यादा मजबूत है या फिर ये दुनिया के कुछ सबसे मजबूत मेटल्स? लेकिन भाई मैं तुम्हें बता दूं, ये जो है डायमंड नहीं है, ये है मोसुनाइट जेमस्टोन। हालांकि ये भी मजबूत मटेरियल में से एक है, लेकिन ये डायमंड जितना मजबूत नहीं है। अब इन दोनों की हार्डनेस टेस्टिंग के लिए हमने बनाई है ये जैक प्रेस मशीन। इसमें हमने यूज किया एक कार जैक का, जो कि 1 टन तक का दबाव लगा सकता है, जिससे ज्यादातर चीजों की चटनी बन सकती है। अब हम सबसे पहले एल्युमिनियम मेटल की हार्डनेस टेस्ट करेंगे। इसके ऊपर डायमंड को कुछ इस तरह से रखकर जैक प्रेस को टाइट करना है। ओके, डन। अब जैसे ही हमने जैक को घुमाना स्टार्ट किया तो इस पर प्रेशर इतना बढ़ने लगा कि ये डायमंड ही टूट गया और ये एकदम चूरे चूरे में बदल गया। बट ये बहुत ही मजबूत था, इसने इस एल्युमिनियम मेटल के क्यूब में एक बड़ा सारा छेद कर दिया। अब हमने डायमंड को टाइटेनियम मेटल के ऊपर रख दिया, क्या ये इस मजबूत टाइटेनियम में भी छेद कर देगा? और ये वाला डायमंड भी टूट गया। लेकिन डायमंड ने तो इस टाइटेनियम के अंदर भी छेद कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही डायमंड बचा है। अब जो इनका एक्सट्रीम हीट टेस्ट करते हैं। गाइस, वेल्डिंग मशीन के साथ अगर हम इन सेल्स के अंदर की इन ग्रेफाइट रोड को अगर ऐसे कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं ना, अब देखना ये जो है ना कितनी ज्यादा गर्म हो जाती है। ये एकदम रेड हॉट हो जाती है और इनका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और अब हम इस डायमंड को इन रोड की मदद से गर्म करेंगे। अब देखते हैं ये इस डायमंड को पिघला पाते हैं या फिर नहीं। ओ शिट, ये तो टूट गया। लेकिन जब हमने इसके छोटे से टुकड़े को गर्म किया तो वो एकदम लाल होकर जलने लगा, साथ ही उसका साइज भी बहुत ही छोटा होने लगा। और अब टाइम है मेटल्स को मेल्ट करने का। हमने टाइटेनियम से शुरुआत की, इसका मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इसलिए शायद ये आसानी से मेल्ट ना हो। लेकिन इन रोड ने तो इसको कुछ सेकंड में ही रेड हॉट बनाकर मेल्ट कर दिया, और साथ ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो गया, जिससे कि इसके चारों एक ग्रीनिश कलर की लेयर बन गई। अब बारी है क्रोमियम की, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हाँ, इसको मेल्ट करना सच में मुश्किल हो सकता है, बट ये रोड तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। इन्होंने तो क्रोमियम को भी नहीं छोड़ा और इसको भी मेल्ट कर दिया। लेकिन क्रोमियम के अंदर से तो बिल्कुल फुलझड़ी की तरह स्पार्क्स निकलने लगे। और फाइनली अब बारी है टंगस्टन की, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब जैसे ही हमने इसको गर्म करने की कोशिश की तो ये भी एकदम रेड हॉट तो हो गया, लेकिन ये रोड इसको मेल्ट नहीं कर पाई और ये हल्का सा भी नहीं पिघला, लेकिन ये भी हल्का हल्का ऑक्सीडाइज होने लगा और इसके चारों ओर भी ऑक्साइड की हल्की हल्की कोटिंग हो गई।